सत श्रीकाल देश दुनिया देख रहे दर्शकों का मैं सतनाम सिंह बठोई स्वागत करदा। इस विच असी झात मारांगे देश विदेश विच हो रही सरगर्मियां ते। अमेरिकी विदेश विभाग के मुख्य उप बुलारे वेदांत पटेल ने सोमवार को कहा कि अमेरिका भारतीय अदालतों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले की जांच कर रहा है। पीटीआई मुताबक उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रगटावे की आज़ादी मनुखी अधिकारों की सुरक्षा से लोकतंत्री सिद्धांतों प्रति सांझी वचनबद्धता लैके भारत के नाल है। न्यूज एजेंसी मुताबिक उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि कानून के शासन से न्यायिक आज़ादी का सन्मान किसी भी लोकतंत्र की नींह है। असी भारतीय अदालतों राहुल गांधी के केस की जांच कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब च पटेल ने कहा है कि जिथे अमेरिका नाल दुबले संबंध हैं उत्थे किसी भी देश विरोधी पार्टियां के मैंबर नाल जुड़ना सुभाविक है। सूरत की सैशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को कर्नाटक च एक चोन रैली दौरान उन्हां दी मोदी सरनेम टिप्पणी नूं लै के मानहानि दे एक मामले च 2 साल की सज़ा सुनाई सी। इस मामले च सूरत पछमी तो भाजपा विधायक पुरनेस मोदी ने राहुल गांधी ते मानहानि दा केस दर्ज करवाया सी। उन्हां नूं दोषी ठहराया जाण तो एक दिन बाद लोक सभा तो अयोग करार दिता गया सी। अमेरिका की सरहद ते मैक्सीको के एक इमीग्रेशन केंद्र च अग लगन कारण घट्टो घट 35 प्रवासियों की मौत हो गई है ते 100 के करीब जख्मी हुए ने। एक्सक्लूसो अखबार ने मैक्सीकन शहर च सियूदाद यूआरज विच नैशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट इमारत च अग लगन की गल कही है, जिस विच कहा गया है कि लगभग 100 लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सामना करना पड़ा है, जिन्हों विचों कुछ की हालत गंभीर है। कथित तौर पर यह अग उन्हां प्रवासियों के एक नज़रबंद कैंप विच लगी जो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे सन। दसिया जा रहा है कि अग प्रवासियों ने खुद चलाई सी जिन्होंने उत्थों भजन की कोशिश की। कनेडा के बर्नवी विच एक यूनीवर्सिटी कैंप्स में महात्मा गांधी के एक होर बुत की भन तोड़ की गई है। वैनकूवर विच भारत के कौंसलेट जनरल ने मंगलवार को इस संबंधी जानकारी दी है। यह कार्रवाई ओंटारियो विच एक होर बुत को निशाना बनाए जाने तो बाद की गई है। ताज़ा घटना विच बुत को साइमन फ्रेजर यूनीवर्सिटी के बर्नवी कैंप्स के पीस स्क्वायर विच रखा गया सी। वणज दूत घर ने ट्वीट किया है कि असी शांति के दूत महात्मा गांधी जी बर्नवी कैंप्स के कानून को तोड़न के घिनौने अपराध की सख्त निंदा करते हैं। इस विच अगे कहा गया है कि कनेडियन अधिकारियों इस मामले की तुरंत जांच करन अते दोषियों जल्दी न्याय के घेरे में लियाउण की अपील की जाती है। यह घटना ओंटारियो के हैमिल्टन कस्बे के सिटी हाल नेड़े 23 मार्च को भारत विरोधी अंसरां वल्लों महात्मा गांधी के बुत को विगाड़न अते स्प्रे पेंट करन तो बाद वापरी है, जदों के हैमिल्टन पुलिस ने कहा है कि वह मामले की जांच कर रहे हैं। जिक्रयोग है कि उत्तरी अमेरिकी देश विच भारतीय संस्थावां अते मंदरां ते खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हमले वधदे जा रहे हैं। कनेडा के शहर वैनकूवर विच गैनवीविल अते पेंडर स्ट्रीट ते स्ट्राबक्स के बाहर वापरी शुरेबाजी की घटना विच एक व्यक्ति के कतल के मामले विच 32 साल पंजाबी नौजवान इंद्रदीप सिंह गोशल ते दूजे दर्जे के कतल का दोष लगाया गया है। पुलिस मुताबिक एतवार शाम को शहर के डाउनटाउन कोर विच काफ़ी शॉप के बाहर 2 व्यक्तियों विचाले हुए मामले झगड़े के बाद छुरेबाजी की घटना वापरी है। जांचकर्तावां का कहना है कि उन्होंने विश्वास नहीं है कि पीड़ित अते शक्की एक दूजे को जानते सन, पर चाकू मारन के कारण के वेरवे अजे भी जांच अधीन ने। पुलिस ने एक बयान विच कहा है कि इलाके विच गश्त कर रहा एक कांस्टेबल चाकू मारन दे कुछ पलों बाद मौके पर पहुंचा अते शक्की नूं मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। होर अधिकारियों ने पीड़ित की मदद करने की कोशिश की, जिसकी पछाण 37 साल पाल स्टैनली समिट वजो हुई है, पर हस्पताल जाने तो बाद उसकी मौत हो गई। वैनकूवर पुलिस सर्जेंट स्टीव एंडीसन का कहना है कि जांचकर्तावां उन्हां लोकां नाल संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो घटना के समय मौके पर मौजूद सन। माफिया राज नेता साबका संसद मैंबर अतीक अहमद और उसके भरा खालिद अजीम उर्फ अशरफ वालों 2005 बहुजन समाज पार्टी के तत्काली विधायक राजू पाल कतलकांड मामले के गवाह उमेश पाल को अगवा करने के मामले में माफिया अतीक अहमद सने 3 दोषियों उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माने की राशि राजूपाल के परिवार वाले देने का हुक्म दिता गया है। उत्थे ही कोर्ट के फैसले को सुनते ही माफिया डान अतीक अहमद अदालत में उची उची रोन लग गया है। तस्मानिया राज के हैवराट हवाई अड्डे से एक आस्ट्रेलियाई व्यक्ति को 5.5 मिलियन आस्ट्रेलियन डालर दी कोकीन ले जाने के दोष में गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को एक अधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। समाचार एजेंसी शिनुआ की रिपोर्ट मुताबिक 32 साला व्यक्ति को सोमवार रात तस्मानियन पुलिस अते आस्ट्रेलियन फैडरल पुलिस द्वारा सांझे तौर पर गिरफ्तार किया गया है। बयान अनुसार जदों पुलिस अधिकारी आने वाले यात्रियों ते ड्रग स्क्रीनिंग कर रहे सन तो उस व्यक्ति को एक नशीला पदार्थ होने का संकेत मिले। व्यक्ति के समान की तलाशी लैन तो बाद पुलिस ने 2 किलोग्राम कोकीन 3.5 किलो मिथाइल फटाइन बरामद किया है। उक्त व्यक्ति जो हाल ही सिडनी तो एक फ्लाइट ते आया सी उसने हवार्ट पुलिस स्टेशन ले जाया गया जिथे उस तो पूछगिछ की गई है। फिर उसते नशीले पदार्थों की तस्करी का दोष लगाया गया। व्यक्ति नु तुरंत हिरासत में लै लिया गया अदालत में पेश किया जाएगा। ये सन देश विदेश दी अहम सरगर्मियां। होर जानकारी लई देखते रहो देश दुनिया।